BGIS 2024 के जो अपने इन गेम क्वालिफायर हैं वो आज अपना 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अप्रैल 2024 तक ये रहेंगे। तो आपके पास सिर्फ 6 दिन हैं इन गेम क्वालिफायर के लिए और इसी के लिए मैं आज आपका दोस्त राइडर अभिषेक आपके लिए बेस्ट ट्रिक्स लेकर आ चुका हूँ जो आपको क्वालिफाई करवाने में, इन गेम क्वालिफाई करवाने में बहुत हेल्प करने वाली है। और कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद फेस की हैं, जो मैंने खुद क्वालिफाई की है और उसके लिए मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ वो बहुत हेल्प करेगी आप क्वालिफाई करवाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर दें। चलिए तो भाई जो अपनी ट्रिक नंबर 1 है वो मैं आप सबको बताता हूँ कि करना क्या है आप लोगों को। हम सब ने अपनी अपनी आईडीज़ रजिस्टर करी हैं BGIS के लिए और जो अपनी आईडीज़ है वो हमें कम से कम अपनी जो टीयर है वो हमको प्लेटिनम 5 रखनी है और 25 प्लस होनी चाहिए आईडी लेवल। ये अपना मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमको BGIS के रूल बुक में लिखा है वो ये चीज़ लिखी है। बट हमको जो खेलना है वो आपको प्लेटिनम 5 तक अपनी टीयर आने ही नहीं देना, आपको रखना है प्लेटिनम 1 या मैक्स डायमंड के एंड पे। बस इससे ना ऊपर रखने जाते ना इससे अपने नीचे रखना। तो करना क्या है ये मैं आपको एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ। हर टीम को 15 मैचेस मिले हैं यहाँ पर खेलने के लिए जिसमें से टॉप बेस्ट 10 मैचेस यहाँ पर काउंट होंगे हर टीम के और अपने को 10 के 10 चिकन चाहिए विद 35 से 40 किल्स का एवरेज। तो बेस्ट ट्रिक मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसमें करना आपको ये है। सबसे पहले आपको अपनी अपनी आईडी से सोलो सोलो खेलना है। लाइक जैसे आज आपका डे 1 है तो आज अपने सोलो सोलो सब अपना जाइए 1v4 चलाइए गेम को और 1v4 खेलने के बाद अपनी रैंक मतलब उतरना है, जंप करना है, एलिमिनेट होना है, मर जाना है, वापस आ जाना है। सेकंड मैच फिर सेम प्रोसेस, सबको सोलो सोलो खेलना है। सिर्फ उन्हीं फोर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जो अपने BGIS में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल प्लेयर हैं उनको यहाँ पर काउंट नहीं होगा, उनका अलग है सारा सिस्टम। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर खेलना है, रैंक माइनस करवानी है, एलिमिनेट होना है, वापस आ जाना है। ऐसा करके अपने को 3 मैचेस अपने ख़राब करने हैं स्टार्टिंग के। जब 3 मैचेस ख़राब हो जाएं, मिनिमम 3 मैचेस अपने को ख़राब करने हैं, माइनस करवानी है, एलिमिनेट होने हैं और वापस आ जाना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, रैंक प्लेटिनम 2 से नीचे जानी नहीं देना, प्लेटिनम 2 से ऊपर रखनी है रैंक। डायमंड प्लेटिनम इतना चलेगा या मैक्स टू मैक्स क्राउन 5, बस इससे ऊपर आपको रखना ही नहीं है। इससे अपनी जो लॉबी का जो साइज़ रहेगा वो बहुत लो साइज़ की आपको लॉबी मिलेगी, थोड़ी सी टीयर डाउन रहेगी तो अच्छी लॉबी मिलेगी। तो अब आपको 3 मैचेस अपने ख़राब करने हैं एंड ख़राब करने के बाद आपको चारों प्लेयर को एक साथ आ जाना है। एक साथ आने के बाद आपको फिर अपना मैच कंटिन्यू करना है चारों को। तो भाई अपनी जो ट्रिक नंबर 2 है, अब आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये भी बेस्ट ट्रिक है। इसमें आपको सिर्फ टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको एक टाइम पर 2 से ज़्यादा मैच खेलने ही नहीं है, चाहे वो आपका मैच ख़राब गया हो या फिर सही गया हो, बट एक टाइम पे 2 से ज़्यादा आपको खेलने ही नहीं। बैक टू बैक में कभी मैच आपको ने रखने ही नहीं है अच्छे। एक मैच आपका ख़राब गया कोई बात नहीं, छोड़ देना है उस टाइम को, बाद में कंटिन्यू करना है। आपका मैच अच्छा जा रहा है तो भी आपको नहीं खेलना, दो ही मैच खेलना है। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 11 बजे मैच वन स्टार्ट चलाया अपना, वो जो आपका चिकन डिनर हुआ अच्छे खासे, उसमें किला है 35-40 का एवरेज रहा किल का, देन अपना मैच खत्म हुआ। उसके बाद आपको 3 मैच ख़राब करवाया आपने सोलो सोलो खेल के, देन अपना मैच 2 चलाया आपने 12 बजे। बट 12 बजे के बाद अब आपके 2 मैच कंप्लीट हो गए, अब आपके वो चलाना ही नहीं, फिर अपना 3-4 घंटे ब्रेक लो, देन अपना दोबारा ये प्रोसेस कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आप बार बार कंटिन्यू रखोगे, चिकन भी कंटिन्यू रखोगे, लॉबी आपकी बढ़ेगी, टीयर आपका बढ़ेगा, हर एक चीज़ अब चेंज होगी, तो वो फिर आपको मतलब परफेक्ट नहीं रहेगा आपके लिए। ऐसा आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे 2 से ज़्यादा आपको मैच खेलना ही नहीं है एक टाइम पे। ब्रेक लो देन खेलो, ब्रेक लो देन खेलो। मैंने जो आपको ये 2 ट्रिक्स बताई हैं ये आपको इतना हेल्प करने वाली है इन गेम क्वालिफायर के लिए, क्योंकि मोस्टली टीम्स का यही कहना है कि हमारा राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, बट हम इन गेम क्वालिफाई कैसे करें। तो ये बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है जो मैंने खुद फेस की थी और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी क्वालिफाई करवाने में, क्योंकि ये नॉर्मल सा रूल है। ये जो मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक बताई इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ध्यान से सुनना। माइनस करवाना है, 1v स्क्वाड खेलना है, स्क्वाड माइनस करवा कर आपको फिर आपको जो रजिस्टर्ड 4 प्लेयर हैं उनको एक साथ खेलना है। चारों प्लेयर को पहले माइनस करवाना है सोलो सोलो खेल के, देन आपको खेलना है रजिस्टर्ड प्लेयर को एक साथ, तो आपका मैच 1 काउंट रहेगा, ठीक है। और सेकंड ट्रिक, थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना है, 2 से ज़्यादा मैच एक दिन खेलने ही नहीं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और बाकी भाई सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, खेलो भाई दबा के। कुछ और भी ट्रिक्स हैं मेरे पे टाइमिंग का, कि हम किस टाइमिंग पे हमको कब खेलना है मैचेस, रात में खेलने हैं, दिन में खेलने हैं, मिड टाइम पे खेलने हैं, कि हमको हैकर फेस ना करने पड़े, तो इसके रिलेटेड में भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। चलिए बाकी बेस्ट ऑफ लक भाई सबको, सब अपना क्वालीफाई करो फाड़ दो एकदम।